नाउ वी हैव अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन एसबीआई पीओ 2018 का मेंस का एग्जाम, ठीक है? आइए देखते हैं कैसे इसको करना चाहिए, क्या क्वेश्चन है। पहले तो डेटा को समझेंगे, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो थोड़ा पहले डेटा स्टडी को समझेंगे, डेटा कैसे देखना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन द फॉलोइंग लाइन ग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ग्राफ शोज द मार्क्ड अप प्राइस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है, किसके रिस्पेक्ट में मार्कअप किया गया है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में मार्कअप किया गया है। ये बात बहुत साफ साफ दे रखी है, ऑफ द प्रोडक्ट्स। एंड द सेकेंड लाइन ग्राफ शोज द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। सेकेंड लाइन ग्राफ क्या दिखाता है, कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया है, ओके, किसके ऊपर, मार्क्ड अप प्राइस के ऊपर। टू हेल्प द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एकाध एग्जाम्पल लेके आपसे आगे फिर मेन क्वेश्चन पे आना चाहूँगा। पहले कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसकी ज़रूरत एग्जाम में नहीं है, अभी सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल्स ले। सपोज करो आई टॉक अबाउट पी, तो पी के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि 200, व्हाट इज दिस मार्कअप परसेंटेज। इस पे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पी का 100 रुपये है, तो इसका जो मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य है वो 200 रुपये होगा। समझ रहे हो ना भाई, राइट? डिस्काउंट एज पर दी सेकेंड ग्राफ पी पे 40% का है। डिस्काउंट किसके तुलना में है, मार्क प्राइस की तुलना में है। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे भैया, 40% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, राइट? तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें बच्चों, राइट, ये सब एक हाइपोथेटिकल डेटा है, ज़रूरी नहीं है कि यही ऐसा है। वो हमने कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम किया है, ध्यान रखने वाली बात ये है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो 100 ही हो सकता है 50 रुपये हो सकता है 40 रुपये हो। सिर्फ एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दिस डेटा, ओके। सो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज व्हाट, सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस द डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस इन दिस केस इज 200 एंड द डिस्काउंट इज 80। So what is the selling price, children? It is 120. So I hope you understand the basic thing involved in this question. ठीक है, जो basic information दे रखी है उसको कैसे utilize करना है, इस बात को मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। आइए questions देखते हैं, let's have a look at the questions, कैसे इन questions में इसको apply करना है, let's have a look there. So let's say this is the question, right? ये हमारे पास questions हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। If the cost price of product P and R is equal, देखो जब कोई चीज़ नहीं दे रखी है और इक्वल दे रखी है, तब तो मैं बिना किसी टेंशन के खुल के कहूँगा कि कॉस्ट प्राइस कितनी ले लो, 100। किस किस की, P की भी और R की भी, इक्वल है भैया, टेंशन क्या है। तो मार्क प्राइस निकालना तो बहुत आसान हो गया ना, मार्क प्राइस P का और मार्क प्राइस R का ये देखना तो बड़ा आसान हो गया। P का कितना आ गया, 200, ठीक है बच्चों। और R का कितना आ गया भाई, R का 150 से 10 ऊपर यानी कि 160, समझ रहे हो, ओके। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट P इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट R। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर लो, म्यूट पे रखो यार। एक तो आप नाम अपना पता नहीं कौन से चाइनीज नाम रखते हो, हैं STO पता नहीं क्या, सिंपल नाम रखो यार, जो है वो रखो, लव योर सेल्फ, लव योर नेम, ओके। देखिए तो मैं सेलिंग प्राइस किस किस का चाहता हूँ, P का और R का। P का तो शायद हमने पीछे भी देखा भी था, कितना आया था यार, सेम ही तो होगा, P का 120 आ गया था, है ना, डिस्काउंट हमने अप्लाई किया था और वो हमारा 120 आ गया था, वंडरफुल। तो ये हमने P का 120 लिख दिया। R का अगर मैं सेलिंग प्राइस देखूं तो R की मैं उसके लिए परसेंटेज देखता हूँ कितना डिस्काउंट है, तो 70% डिस्काउंट है बच्चों, 70% डिस्काउंट है 160 पे, यानी कीमत कितनी रह गई, 30% रह गई, 160 का 30% कितना हो गया, 48 हो गया, समझ रहे हो ना, ठीक है। आई होप यू गेट ऑल दीज पॉइंट्स। अब देखो जो चीज़ पूछी गई है उस पर ध्यान देना है, परसेंटेज तुम्हें कभी भी जब किसी भी क्वेश्चन में निकालना हो तो
तुम्हें मालूम है आंसर हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100, दिस इज ऑलवेज द आंसर, राइट। हमें कभी भी किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना है तो हमारा आंसर हमेशा कैसे, नेहा इज आस्किंग 160 कैसे आ गया, 160 कैसे आ गया। अरे बेटा देखो ना, क्यों तुमने जो है ये किसके आर का देखना था ना, तो आर तुम्हारे पास ये है नेहा, तो आर यहाँ पे तुम देखो बेटा, ये 150 तो ये रहा लाइन, और इससे 10 ऊपर है तो 160 ही तो होगा भाई, कोई डाउट है नेहा, राइट। यू जस्ट आई कैन सी यू इन द चैट बॉक्स, 160 कैसे आया, आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है, ओके। तो एक बारी जब आपने इस बात को समझ लिया कि 160 कैसे आया, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई करके हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस के लिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये सजेस्ट किया कि डिस्काउंट विस्काउंट से सब्सट्रैक्ट क्या करोगे, सीधा ही कर लो यार, जैसे इसकी इस पे 70% का डिस्काउंट है, मतलब 30% का बिकेगा, तो 30% 160 का कितना हो गया, 10% कितना हो गया 16, 30% कितना 16, 48, तो ये हमने 48 सीधा ही देख लिया, समझे कि नहीं। इस पे 40% डिस्काउंट था, मतलब 60% पे बिकेगा, तो इसका 10% कितना हो गया 20, तो 60% कितना हो गया 120, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, चीज़ों को डील करना थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब जो बता रहा हूँ बहुत प्यार से बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। परसेंटेज के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन डीआई में मिलते हैं, हम सब लोग जानते हैं, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, आंसर क्या होगा, इस पे अक्सर कंफ्यूजन थोड़ी बहुत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी भी बात की जा रही है सवाल में, वो हमेशा न्यूमरेटर होगा, जिसके बारे में भी बात की जा रही है दैट वुड बी द न्यूमरेटर, और जिससे भी हम उसकी तुलना कर रहे हैं, जिससे भी उसे हम कॉम्पेयर कर रहे हैं, दैट वुड बी द डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया, हाउ मच मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर, आर की सेलिंग प्राइस से पी की प्राइस कितनी ज्यादा है, तो भाई 120 में से 40 घटाते तो कितना आता, तो 80 आता, 80 में से 8 और घटा दो तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, आया ना। तुलना किससे करनी है, मोर देन द, जिससे भी कंपैरिजन हो रही है, देखो यहां साफ साफ देखा हुआ है, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर, आर की सेलिंग प्राइस से तुलना करनी है, यानी किससे तुलना करनी है, 48 से तुलना करनी है। क्या ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आई थिंक यस। 24 दिए 72 और 24 दुना 48, 3/2 कितना होता है बच्चों, 150%। तो क्वेश्चन तो आसान ही होंगे, हाँ कभी कभी कुछ कैलकुलेटिव और लेंदी हो सकते हैं, उसको तो छोड़ना ही है, टेंशन नहीं लेनी है। जितने लोगों को ये बात समझ में आई जल्दी से यस लिखेंगे चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं, देखिए। If the cost price of product R is increased by 10%, बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट। जिसकी बात हो रही है पहले उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर लेना है, प्रोडक्ट R की बात हो रही है, बिना किसी टेंशन के जब कुछ नहीं दे रखा है तो सीपी को तुम 100 ले लो, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। एमपी कितना आ गया भाई ग्राफ के हिसाब से, 160, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सेलिंग प्राइस हालांकि हमने पिछले सवाल में निकाली भी थी, फिर भी देख लेते हैं, 70% डिस्काउंट है, मतलब 30% का मिलेगा, यानी कि 48 रुपये का मिलेगा। ये फट से हमने इतना काम तो ओरली करने वाला है ना, मतलब ये सब काम दिमाग में होने वाला है, क्योंकि मैं दिमाग खोल के तो मैं दिखा नहीं सकता, तो स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना, ये लिखने वाला काम नहीं है, ये सब तो ओरल वाला काम है, ओके। अब जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आर इज इंक्रीज बाई 10%, अब अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 10% से बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई भाई, 110 हो गई, एंड अदर prices, मार्क प्राइस एंड एस पी रिमेन द सेम, बाकी चीज़ें उतनी ही रहीं जितनी थी, यानी कि 48 और 160 बनी रही, सिर्फ क्या बढ़ा, सी पी बढ़ा, देन हाउ मच मोर परसेंट लॉस विल ही गेट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस लॉस। अब देखो बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है भाई, बढ़िया सवाल है, मेन्स का सवाल है यार, SBI के मेन्स का सवाल है, 2018 का पेपर निकाल के देखना, सेम पेपर तुम्हें दिख जाएगा, 2018 SBI मेन्स का सवाल है, ठीक है, ओके। बहुत सारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें आसानी से गूगल पे मिल जाएगा, हालांकि मैं ये PDF भी अभी क्लास के बाद तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, NBA बरेली पे ही शेयर कर दूंगा। सर सेलिंग प्राइस 48 नहीं होगा सर, सेलिंग प्राइस 48 क्यों नहीं होगा मेरे भाई, बोलो सर, 40% डिस्काउंट है ना,
40% डिस्काउंट कहाँ है, आर की बात हो रही है, आर में तो मुझे ऐसा दिखता है कि 70% डिस्काउंट ओके ओके सर, है ना? ओके राइट, वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, 70% डिस्काउंट है मतलब 30% का मिलेगा, 30% कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा भाई। ओके आप यहाँ तक पहुँच गए, चलिए आपकी आवाज़ भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया है। ओके आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या कह रहे हैं, प्रीवियस लॉस की तुलना में। तो पहले प्रीवियस लॉस देख लेते हैं भाई कितना है, 100 रुपये की चीज़ थी, 48 रुपये की बिकी, तो लॉस परसेंट देखने में कोई टेंशन ही नहीं है, राइट? लॉस परसेंट नहीं, लॉस की बात हो रही है, तो चलो लॉस की ही बात कर, हालांकि यहाँ पे लॉस और लॉस परसेंट दोनों ही बराबर होंगे, लेकिन लॉस बोल रहे हैं तो चलो लॉस ही लिख लेते हैं। लॉस कितना हो गया, 52 रुपये का हो गया, 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 48 रुपये की बेची, तो कितने की लॉस, कितना है, 52 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है? इस केस में कितना लॉस है बेटा, यहाँ पे 10 रुपये और इसकी सीपी बढ़ गई, तो लॉस हमारा 62 रुपये का हो गया, ठीक है? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, यहाँ तक वाली जो काम था ये सब तो बेसिक काम था, ये हर कोई कर लेगा, बट इसके बाद भी इस मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, बिकॉज वो परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को शायद मिस करेंगे, ठीक है? तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी रिपीट किया था कि न्यूमरेटर वो चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही है, डिनोमिनेटर वो चीज़ जिससे हमें उसकी तुलना करनी है, जिससे कंपैरिजन करना है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं, हाउ मच मोर परसेंट लॉस, अब देखो, अच्छा सॉरी, परसेंट लॉस की बात हो रही है, तो यहाँ तो परसेंट लॉस ठीक है यार, परसेंट लॉस कितना है, 52% ही है, ठीक है? एज कंपेयर टू द प्रीवियस लॉस, यहाँ भी हमें परसेंट निकालना पड़ेगा, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है? थोड़ी यहाँ पे हमें 62/11 है, बल्कि 620/11 इतना प्रतिशत हो जाएगा। चलो मैं अभी इसको इसी रहने दूंगा, आई वोंट डू एनी कैलकुलेशन हेयर, मैं इसको इतने भी रहने दूंगा। तो मोर परसेंट की बात हो रही है, तो पहले देखूंगा भाई जिसकी बात होती है वो ऊपर, तो कितना ज़्यादा है, तो 620/11 -52 है ना, कितना ज़्यादा है, तो हमने देखा भाई कितना आ गया, 620 और 11 से किया तो कितना आ गया, 22, हाथ में 2 और 55 और 2, 57/11, ये तुम्हारे पास क्या आया, ये तुम्हारे पास आया कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, तो घटा के देखो ना, ये आ गया 8 और कितना रहा, 11 में से 7 गया तो 4 और 6 तो बचा नहीं, 48, तो 48/11 इतना हमें एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, यानी हमारे पास न्यूमरेटर कितना है बेटा, 48/11, ओके, मोर परसेंट लॉस एज कंपेयर टू द प्रीवियस लॉस, प्रीवियस लॉस कितना था, 52 × 100, दिस वुड गिव अस द आंसर, 48/11 × 52 × 100, दिस वुड गिव मी द आंसर। अब यहाँ पे हम में से ज़्यादा लोग सोचेंगे कि सर ये तो बहुत ही कैलकुलेटिव है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन हम इस कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, देखो कैसे, मैं 4 से इसमें जहाँ भाग हो रहा है काट देता हूँ, 12 चौक 48 और 13 चौक 52, ठीक है? ऊपर मेरे पास आ रहा है 1200 और नीचे 13 गुने ये कितना, 143 हो जाना चाहिए, 143। अब देखो मैंने तुमसे कहा एक तरीका ये है कि तुम पूरा पूरा कैलकुलेशन करो, और एक तरीका ये है कि तुम सिर्फ उतना करो जितने से तुम आंसर तक पहुंच जाओ, तो ये 143 को जब मैं 143 से जब 1200 को डिवाइड करूंगा, अब मुझे सिर्फ सही ऑप्शन पहचानना है। अच्छी बात क्या है, लुक एट द, दीज आर रियल क्वेश्चन, रियल ऑप्शंस, सिर्फ पहले फिगर पे तुम एनालाइज कर लोगे कि आंसर क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है कि भैया 6 से जा रहा है कि 7 से जा रहा है कि 8 से जा रहा है। ऐसे में तो मैं सजेस्ट कहता हूँ तुम्हें भाई पहाड़े याद होने चाहिए, 14 के पहाड़े से देख लो, 143 का पहाड़ा, भाई मुझे भी याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, लेकिन 14 का तो सबको याद होना चाहिए, है नहीं? 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, है ना? सते कितना हो जाएगा भाई, सते हो जाएगा हमारे पास 184 है तो 8, 108 हो जाएगा, 98 हो जाना चाहिए था ना, 98 होना चाहिए था, तो 98 से भी नहीं जाएगा, तो आइए देखते हैं, राइट, लेट्स सी, तो 98 से भी नहीं जाएगा, तो उससे और आगे अगर हम बढ़ते हैं, नमा 126 होता है, तो 8 से चला जाएगा ना यार, 8 से जाना चाहिए, है ना? तो मैं इतने पे आ करके सीधा सीधा सी ऑप्शन मार्क कर दूंगा एग्जाम के लिए, मैं इतने पे सीधा सीधा सी ऑप्शन मार्क कर दूंगा, आई वोंट डू एनी अदर कैलकुलेशन, मैं कुछ और नहीं करूंगा, ठीक है? आओ फिलहाल अभी हम एग्जाम में नहीं, क्लास में हैं, तो हम इसको पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं, आओ करके देख लेते हैं,
आठ थी 24, ठीक है, 24 हाथ में दो, और यहाँ पे 32 और दो 34, हाथ में तीन, और यहाँ पे 8 और 3 11, ओके कितना बचा भाई, 56 आ गया, 56 आ गया। तुमने डेसिमल लगाया, 560 हुआ, तीन से करके देखो, है ना, 14 ये 42 होता है, 14 चौक 56 होता है, तो 56 560 से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो तीन से ही जाएगा ना, तीन से करके देखा तुमने 9, और यहाँ कितना आ गया भैया, ये आ गया 12, हाथ में एक, तीन और एक चार, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पास जो बचा वो बच गया एक, और यहाँ पाँच में से गया तो तीन, और यहाँ फिर से एक, 131 बच गया। फिर से तुमने जीरो लगाया, राइट, जीरो लगाया तो कितने से जाएगा भाई ये, अगर हम देखते सात से, ये थोड़ा बड़ा आ रहा है, 8.38 के आसपास आ रहा है बल्कि, है ना, ऑलमोस्ट 8.39 ही हो जाएगा ये तो, बल्कि 8.39 हो जाएगा, बट ठीक है, जो भी नियरेस्ट ऑप्शन है हम वहीं पे मार्क करेंगे, ठीक है, नाइन से ही जाएगा, 8.39 हो जाएगा, तो जो भी नियरेस्ट ऑप्शन है हम उससे मार्क करेंगे, ठीक है, सो विल गो बाई ऑप्शन नंबर सी ओनली। बात समझ में आई, डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन, एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, इफ इट इज़ क्लियर जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट राइट येस इन द चैट बॉक्स, और अगर कोई डाउट है, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट वॉज आस्ड इन द सेम एग्जाम, SBIPO 2018 मेंस का ही पेपर है ये भी, क्या है, और चलो पहले डेटा को स्टडी करते हैं, कौन सा चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट दे रखा है। एक ट्रेंड तो ये यहाँ पे सीखने का है, जो तुम लोग शायद अभी तक देखे हो, कि अच्छे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जनरली दो चार्ट से निकल के आते हैं, आई होप तुम इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो दो चार्ट पे बेस्ड है, ठीक है। इन द गिवन पाई चार्ट इन अ स्टेट देर आर टू टाइप्स ऑफ टूरिस्ट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट, ग्राफ शोज द परसेंटेज वाइज ब्रेकअप ऑफ दीज टूरिस्ट इन अ गिवन ईयर, देर आर फोर क्वार्टर्स इन अ ईयर, हमेशा किसी भी वर्ष में चार क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं भैया, 3 महीने होते हैं, ठीक है, तो चार क्वार्टर ही होंगे ना, तो एक साल हो जाएगा 12 महीने का, ठीक है। तो ये जो डेटा हमारे पास दे रखा है ये सिर्फ 3 क्वार्टर का दे रखा है, ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आनी चाहिए। ऑल राइट, डोमेस्टिक टूरिस्ट 3,000 हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट 1,800 हैं, उसमें से 42%, 28%, 30%। अब देखो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन की बात मैं करना चाहूँगा, जैसे मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ, हो सकता है तुम में से कुछ लोग मेरे से ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन करते हो, मैं कैसे करता हूँ मैं तुम्हें करके बताता हूँ, मेरी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं देखता हूँ भाई इसका 10% 300 होगा, तो 40% 300 गुना 4 यानी कि 1,200 हो जाएगा, 1% इसका 30 होगा तो 2% 60 हो जाएगा, यानी ये संख्या 1,260 हो जाएगी। ये कैलकुलेशन इस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन मुझे मेंटली करने में परेशानी होती है, बट एडिशन मेंटली करने में परेशानी नहीं होती है, तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से तोड़ तोड़ के कर पाता हूँ। जब मुझे 28% देखना है तो मैं 30% देखूंगा, 30% कितना हो गया 900, 2% कितना है 60, तो 30% माइनस 2% क्या 28% नहीं होता है क्या बेटा, बिल्कुल होता है, तो कितना हो जाता है 840, 30% में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 900। तो इस प्रकार से मैंने इन संख्याओं को आराम से अलग से रख लिया, कितने आ गए 1,260, 840 और 900, एग्जैक्ट नंबर्स आपके पास आ गए। सिमिलरली यहाँ पे भी 1,800 का हमने देखा, 30% कितना हो गया 18 54 यानी कि 540, अगर 10% हमारे पास 180 है तो 5% कितना हो जाएगा, 180 का आधा यानी कि 90, तो टोटल 35% कितना हो गया बेटा 630, समझ रहे हो कि नहीं। और 25% क्या होता है, आधे का आधा, एक चौथाई, आधा है 900 उसका आधा 450, 40% नॉट अटेंशन एट ऑल, 18 चौक 72 तो 720। इस तरीके से नंबर्स को कैसे हम लेके आएंगे, परसेंटेज को नंबर्स में कैसे देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन तुमने तुम्हें तुम्हें तुम्हारे रिस्पेक्टिव पॉइंट के टीचर्स ने जरूर सिखाया होगा, और इससे बेहतर तरीके भी सिखाए होंगे, फिलहाल मैं ये वाला तरीका यूज करता हूँ, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चंस। सो हमने स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे देखना है क्या हमारे पास क्वेश्चंस है, लेट्स सी, इफ वी इंक्लूड द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर, ऑल राइट, अगर मैं चौथे क्वार्टर को इंक्लूड करता हूं तो द परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन द थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर कितना था भाई 900 था, है ना, 3,000 का 30% 900 था, ओके, बिकम 25% ऑफ द टोटल। अब जब हमने चौथे क्वार्टर को इंक्लूड किया तो ये जो 900 की संख्या है जो अभी कितनी बन रही थी 30%, ये बन गई 25%, किसका,
टोटल का, वार्षिक का टोटल। तो ये क्या टोटल हमें एक ही बार में पता नहीं लग गया टोटल कितना हो गया? 3600 नहीं हो गया टोटल? बताओ, हाँ या ना? यानी 3000 लोग 3 क्वार्टर में आए थे, तो टोटल टोटल 3600 लोग आए, मतलब चौथे क्वार्टर में कितने लोग आए बेटा? 600 लोग आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शायद यही था, व्हाट इज द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन द फोर्थ क्वार्टर, विच इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर सेट हर क्वेश्चन मुश्किल ही आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आसान हैं, बहुत सिंपल हैं, स्ट्रेट अवे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई एम अगेन पुटिंग द वीडियो ऑन पॉज जस्ट टू कंफर्म। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस दिस। इफ द इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द फोर्थ क्वार्टर इज 150 मोर देन द इंटरनेशनल टूरिस्ट इन सेकेंड क्वार्टर, ओके, सेकेंड क्वार्टर में मैं स्ट्रेट अवे देखूंगा तो कितने थे हमारे पास? 450, आधे का आधा, 150 और ज़्यादा, यानी कि चौथे क्वार्टर में इंटरनेशनल टूरिस्ट कितने ऐड हुए? 600 ऐड हुए। देन द इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द फोर्थ क्वार्टर इज द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट, टोटल नंबर का इंटरनेशनल कितना हो जाएगा? तो टोटल हमारे पास 600 है, और टोटल हमारे पास 1800 प्लस 600, तो पूरे वर्ष का है ना, टोटल इंटरनेशनल का पूछ रहे हैं ना, तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 2400 का। तो परसेंटेज पूछा गया है, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ये बोलने में कि 1/4, ये तो 25% आ रहा है भाई, दिस इज कमिंग आउट टू बी 25%। लेट मी नो इफ एनी वन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन। आई एम रिकॉर्डिंग एंड आई एम सॉल्विंग, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट हु विजिटेड इन द सेकेंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर, ओके, डोमेस्टिक टूरिस्ट किस किस का? सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड का मतलब हो गया 58%। तो मैं देखूंगा भैया 60% कितना हो जाएगा, 300 × 6 60% हो गया मेरे पास 1800, 2% इसमें से घटा देते हैं बिकॉज 58 चाहिए, तो 2% हो गया हमारे पास 60, तो 1740 की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? नंबर्स को ध्यान से देखो बेटा, राइट, ओके। इज व्हाट परसेंट ऑफ इंटरनेशनल सेकेंड एंड थर्ड? 25 और 40, 65% की बात हो रही है। तो भैया 18 × 7 ही कर लो सीधा सीधा, है, और 18 × 7 करने में अगर तकलीफ है तो 6 कर लो, है, कितना हो जाएगा? 108, 108 हो जाएगा, तो 1080, 60%, 10% हो गया 180, तो 5% कितना हो गया? 90, तो ये हमारे पास 1170 आना चाहिए। ठीक है, 1170 आना चाहिए, ये हमारे पास आ गया 1740 और ये आ गया 1170। किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए मैंने तुम्हें साफ साफ बार बार बताया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ध्यान से देखना। न्यूमरेटर क्या बोल रहे हैं, किसकी तुलना हो रही है, किसकी बात हो रही है, जिसे तुलना वो नीचे, जिसकी बात वो ऊपर। टोटल नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट हु विजिटेड सेकेंड एंड थर्ड इज व्हाट परसेंट ऑफ, नीचे क्या आ रहा है? 1170, ऊपर क्या आ रहा है? 1740। अदरवाइज भी ये वाली चीज अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रही थी और थोड़ा तुम अगर लॉजिक लगाते तो तुम कहते कि फ्रैक्शन हमेशा जो है 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस हमारे पास 100 से बड़े हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? हैं, अब देखो, अब इस कैलकुलेशन को कैसे करें भैया? तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, काफी वाइड हैं, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बताओ 1070 का 100% कितना होगा? खुल के बताओ यार, क्या 1070 नहीं होगा? और इसका 50% कितना होगा? इससे इसका आधा, तो इसका आधा कर लो ना, कितना हो जाएगा? आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 और 17 का गया तो 8 और 85, कितना आ रहा है देखो जरा। ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5 और ये हो गया 6 और 1 7 और 1, 1755 आ रहा है। यानी 150% कितना होगा बेटा? 1755। 1755 से क्या कम है कि ज्यादा है? क्या बहुत ज्यादा कम है? नहीं, मैं तो इसमें 149% मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। मैं और कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा यहाँ पे, आई गो विथ 149%। मेरी बात अगर तुम्हें समझ में आती है तो जल्दी से यस लिख दो। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो इन दिस क्वेश्चन व्हेन वी हैव टू फाइंड अगेन द परसेंटेज, तो कैसे करें? एवरेज नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर, फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर का एवरेज चाहिए।
ये टोटल कितना है बेटा? ये टोटल हमारे पास 70 है। 70 का अगर मैं एवरेज देखूं तो ये हो जाएगा 35%। समझे कि नहीं? राइट, ओके। नंबर की बात हो रही है तो नंबर निकाल लो। 35% का कितना हो गया? 30% हमारे पास हो गया 900, 10% हो गया 300, तो 5% हो गया 150। यानी कि इसका एवरेज हमारे पास कितना आ गया फर्स्ट और सेकेंड का डोमेस्टिक का? 1050। ठीक है ना? फर्स्ट और सेकेंड का हमने एवरेज निकाला, इसका एवरेज कितना आ गया? 1050। ओके, इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर? फर्स्ट क्वार्टर में कितना था? 35%। 35% कितना हो गया? 30% हो गया। 540 प्लस 5% यानी कि 90, यानी कि 630। जिससे भी बात हो रही है, जिससे भी तुलना हो रही है, वो नीचे। मोर देन दिस यानी कि 630 नीचे आएगा, और मोर हो रही है मतलब इससे हम लोग सब घटाएंगे, तो 630 इसमें से घटाइए। 1050 में से 630 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? इधर आएगा 270, 270 प्लस 150, 270 प्लस 150, ये आ गया 0, 12, 3 और 1, 4, 420 आ रहा भैया। 420 गुने 100, 0 से गया ये तुम्हारा 6, 7 और 9, चलेगा? देखो भाई, अब मुझे तो ये याद रहता है कि 100/9 जो है वो 11.11 आता है। कितना आता है?